हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं सेट टाइम बॉन्ड बॉल चैनल। मेरे बहुत सारे भाई ने, बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया था कि सर आप आरएसी बांदा पर वीडियो बनाओ, तो फाइनली मैं आ गया हूं ये वीडियो लेकर आरएसी बांदा पर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा। मैं इसको तीसरे नंबर पे रख रहा हूँ, हालांकि इससे बेटर डिजर्व करता है, बहुत ही अच्छा कॉलेज लगता है मुझे तो पर्सनली। पर और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं आरएसी अम्बेडकर नगर को इसके ऊपर रखा। मैं इसको इसका रीज़न भी बताऊंगा कि आरएसी अम्बेडकर नगर को, अम्बेडकर नगर मुझे अच्छा क्यों लगता है आरएसी बांदा से। हालांकि आरएसी बांदा भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत है, आप किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो। इसमें मैं ही नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही करेक्ट है, ठीक है। आप अपने घर से डिस्टेंस के आधार पर और सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, जैसे फीस, प्लेसमेंट, फैकल्टी, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इन चीज़ों को ऊपर नीचे रीअरेंज कर सकते हो। अब देखो, मैं अपने स्टूडेंट की एक काउंसलिंग कर रहा था, तो उसने बोला कि सर आप आरएसी एक भी मत डालना। मैं बोला क्यों? बोल रहा अच्छा नहीं है, इससे अच्छा है आप प्राइवेट डालना, गलगुटिया वगैरह, काइट वगैरह डाल देना, जैसे मतलब जैसे नोएडा वगैरह, वो ज़्यादा बेटर है, ये तो सही नहीं है। तो मैं सोचा अच्छा, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही सोचते हैं कि गांव जैसी फीलिंग आती है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता, गाँव जैसा लगता है। तो यार पहले ना वीडियो देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कौन गाँव जैसा लगता है, क्या सच में इतना बुरा है। क्योंकि मुझे भी जब मैथ अपने टाइम था तो कभी राजकीय मैंने डाला ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता, और वैसे इतनी बुरी दशा भी नहीं थी, अच्छी मतलब ठीक ठाक ही रैंक थी, ठीक है। 2800-2900 मेरे टाइम पे यूपीएससी में मेरी रैंक आई थी, तो उतने में तो आपको एनआईटी वगैरह आराम से मिल जाता है, आईटी में भी कुछ ब्रांचेज मिल जाते हैं। हाँ, अब बहुत बढ़िया ब्रांच तो नहीं, पर ठीक है, एनआईटी वगैरह में तो बढ़िया ब्रांच मिल जाता है उतने पे, अगर आपकी रैंक 2500-3000 के आसपास है तो ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आरएसी बांदा के बारे में, क्योंकि ये बढ़िया कॉलेज मुझे लगा और मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा। और क्यों सजेस्ट करूँगा इसकी वीडियो में, अभी मैं आपको पता चल जाएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और जो भी मैं बताऊँगा पूरा फैक्ट है, 100% रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वैसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, अपने उसके आधार पे, बट आप खुद से कंक्लूड कर लेना कि विच इज़ बेटर फॉर यू। और एक बार और यार, अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा हूँ तो थोड़ा सा तो मैं एफर्ट लगा दो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे जो कंपेयर करूँगा उसको ज़्यादा उस पर मत, दिल पे मत ले लेना कि अरे सर मेरे कॉलेज को नीचे कर रहा है, इनके कॉलेज को ऊपर कर रहा, नहीं। मैं एक अपने एक डाटा, मैं NIRF के डाटा और फैक्ट के आधार पर ही करूँगा, तो उसको तुम लास्ट तक देखो, और अगर जो चीज़ पसंद ना आए या फिर जो चीज़ छूट जाए उसको कमेंट बॉक्स में पूछो। तो यार देखो, आरएसी बांदा के बारे में हम बात करते हैं। आरएसी जो बांदा है, ये पब्लिक गवर्नमेंट का एक स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, और उसके बाद से AICTE से अप्रूव्ड है, ठीक है। 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था, कैंपस की साइज़ 12 एकड़ है और फैकल्टी तो कमी है, टोटल 20 है। अब इसमें मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस का, तो तुमको पता है इसमें कैसे एडमिशन होता है। पहले इसके लिए, इसमें एडमिशन के लिए पहले होता था UPSEE एग्ज़ाम होता था, और उसके बाद AKTU की काउंसलिंग करानी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन अब मसला इसको कैंसिल कर दिया गया है, अब JEE Main का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, JEE Main का एग्ज़ाम होता है और AKTU की काउंसलिंग कराती हैं, जो UPSEE के नाम से अभी चल रहा है, UPSEE की काउंसलिंग कराते हैं, उसके बाद चॉइस फिलिंग में इसको फिल करोगे तो ये कॉलेज अलर्ट हो जाएगा। और सेम चीज़ लीट वालों के लिए भी है, जिन्होंने भी लेटरल इंटरव्यू ले रखा है उनका भी लेटरल इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन हो जाता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, जो लोग डिप्लोमा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बात रही एडमिशन प्रोसेस की, कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, ठीक है। दूसरी बात, एडमिशन प्रोसेस के बाद हम बात करने वाले हैं कि इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो ये कॉलेज मुझे तो बहुत पसंद है फीस के मामले में, और मैं फ़ीस का एक डाटा दिखाता हूँ इनका, ये फीस का डाटा देखो ध्यान से यार, इनकी जो फीस है 4000 है, और ये 8200 तो AKTU के किसी भी कॉलेज में पढ़ोगे ना तो एग्ज़ाम फीस तो देना ही पड़ता है यूनिवर्सिटी का, लेकिन 40000 ट्यूशन फीस है, कितना कम ट्यूशन फीस है। कॉशन मनी कितना है? 5000 है, यूज़र चार्ज 93000 है, तो टोटल फर्स्ट ईयर में फीस 54300 लगने वाला है,
और सेकेंड ईयर में जब आ जाओगे तो क्वेश्चन मनी घटा दो, क्योंकि क्वेश्चन मनी बस एक ही साल लगता है। और एक क्वेश्चन मनी जो होता है ना, ये रिटर्न हो जाता है, तुमको रिफंड कर दिया जाता है जब तुम कॉलेज छोड़ते हो। तो उसके बाद ये हो गया, ये 4,000 सॉरी ये 40,000, और मतलब टोटल सेकेंड ईयर से 48,300 लगने लगेगा और फर्स्ट ईयर से 53,000 लगने लगेगा, 54,300 लगेगा फर्स्ट ईयर में। अब ये भले तुम इतना फीस दे रहे हो, पर इससे ज़्यादा तुम्हें रिटर्न आता है जब तुम यूपी गवर्नमेंट या किसी भी मतलब जहाँ के भी हो, अगर तुम यूपी से हो तो यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भरते हो तो तुमको 55,000 से 60,000 रिटर्न मिल जाता है। तो यार कहाँ पैसा लगा, जितना दिए उतना आ गया। अरे 60,000, 55,000 से 60,000 आ गया ना, तो फ्री बीटेक फ्री में है ना। और हॉस्टल की जो फीस है 9600 है पर ईयर का, और मेस चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो कम है यार, बहुत कम है, मतलब 10,000 में तुम 12 महीने रह रहे हो, बहुत कम है मेरे हिसाब से। तो इससे ज़्यादा मतलब अब क्या चाहिए तुम्हें। फीस के मामले में सारी आरईसीज बहुत सस्ते में है, बहुत सस्ते में, और स्कॉलरशिप भी दबा के आता है, गवर्नमेंट है, किसी का रुकता भी नहीं है और सबका आ भी जाता है। तो यार आरईसी जानना बुराई वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया बात है। प्राइवेट में जाके तुम 3 लाख का पैकेज दुबाओगे, 3 लाख का, और आरईसी में जाओगे फ्री में करके आओगे बीटेक, तो क्या दिक्कत है यार। तुम बीटेक में जितना फीस नहीं दोगे उतनी तो गवर्नमेंट तुम्हें स्कॉलरशिप देगी, और रहने खाने का तो तुम तो घर पे भी रहोगे तो इतना खर्चा तो आता होगा ना, घर पे फ्री में थोड़ी ना खाते होगे। तो यार देखो इतना कम फीस है और ऊपर से बीटेक हो रहा है, तो फीस के मामले में तो मैं 5 out of 5 की रेटिंग दूंगा, फीस के मामले में ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इवन जो लोग SC ST हैं तो उनका तो कहीं पे भी पूरी फीस वापस आ जाती है, तो उनको टेंशन की बात नहीं है। तो ये रही बात फीस की। अब फीस के बाद आओ हम बात कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज हैं। तो यहाँ कोर्स है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 3 कोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है। और सब में 60-60 का इनटेक है, 60 सीट इसमें है, 7 सीट इसमें है, 60 सीट इसमें है। तो ये रहा कि अभी कोर्स क्या है इंजीनियरिंग में और फीस कितनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्लेसमेंट कैसा है। तो देखो यार प्लेसमेंट का इन्होंने देखो अपने यहाँ राजकीय ये लोग प्लेसमेंट की सेटिक्स में दिखाए हुए हैं कि IT के करिश्मा दे दिए, इनको IBM में मिला हुआ है, ठीक है। अतुल कुमार भैया हैं, गयेंद्र चौबे हैं, इनको SCL में मिला हुआ है, ठीक है। सचिन कुमार भैया हैं, उनको बैजूस में मिला हुआ है। तो इन सारे लोगों को दिखाया जा रहा है कि मतलब IT वगैरह में IBM, SCL, बैजूस आ रही हैं, ठीक है। GSG वगैरह आ रही हैं जो इलेक्ट्रिकल वालों को लेके जा रही हैं और IT वालों को लेके जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मोस्टली प्लेसमेंट क्या है, IT का है, देन इलेक्ट्रिकल का है, और लास्ट में मैकेनिकल का है, ठीक है। कुछ लोग शेक वगैरह में भी गए हैं, ठीक है, segindia.com सुने ही होगे। तो ये सब कंपनीज है जो यहाँ पे आ रही हैं और इतने बच्चे लास्ट ईयर में प्लेसमेंट हुए थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं मेंशन किया है कि एवरेज पैकेज या हाईएस्ट पैकेज कितना है। लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ANIRF का डाटा है, इन्होंने ANIRF को जो डाटा भेजा था, ठीक है, उसमें इन्होंने NIRF के डाटा में कुछ भी झोल नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ जो भी कोई यूनिवर्सिटी डाटा भेजती है उसको वहाँ NIRF के ऑफिसर वेरीफाई करते हैं और 100% ट्रू होता है। इसमें देखो ध्यान से, 19 और 20 में 190 लड़के थे जिसमें से 115 लड़के प्लेस्ड हो गए। मतलब अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो क्या बोलूँगा, साठ दशमलव पाँच दो परसेंट बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो प्लेस्ड हो जा रहे हैं और एक हायर स्टडी में गए थे। और उसके बाद से इनकी एवरेज पैकेज जो है वो कितना है, 4,12,000 एवरेज पैकेज लास्ट ईयर का रहा है, 4,12,000। तो यार ये बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट है। IT का और अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, इससे पहले 2018 में कम था, 2,40,000 था, और उसके बाद 2017-18 में मात्र बहुत गंदा प्लेसमेंट रहा, मात्र 14 बच्चे प्लेस्ड हुए थे 174 में, और 3 लाख ओनली था, 3 लाख एवरेज प्लेसमेंट था। तो ये बहुत देखो 2017-18 में इतना गंदा प्लेसमेंट था कि 174 बच्चे में 14 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, उसके बाद से 45 बच्चे प्लेस्ड हुए और लास्ट टाइम बहुत अच्छे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो देखो बढ़ रहा है, तो अगले टाइम तुम्हारे टाइम में हो सकता है और अच्छा प्लेसमेंट आ जाए,
ठीक है, तो तुम उसकी टेंशन मत लो, इसका प्लेसमेंट बढ़ रहा है यहाँ की। मुझे लग रहा है कि प्लेसमेंट सेल्स जो है अच्छा काम कर रही है, क्योंकि तभी तो इतने अच्छे खासे बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इधर जाना बुराई वाली बात नहीं होगी, अगर फैमिली की इनकम बहुत अच्छी नहीं है तो। देखो यहाँ पे 180 सीट है, जिसमें से 163 बच्चे एडमिशन लिए थे और 36 बच्चे जो हैं लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट सेकेंड ईयर में गए थे, और उसमें से 190 में से 115 बच्चों का प्लेसमेंट लगा था, और एवरेज प्लेसमेंट रहा 4,12,000। अब थोड़ा और कंपेयर कर लेते हैं इसको हम प्राइवेट कॉलेज से, आओ देखते हैं। चलो अब हम प्राइवेट कॉलेज से थोड़ा कंपेयर करते हैं, उससे तुम्हें कुछ ज़्यादा ही आइडिया हो जाएगा कि क्या चल रहा है। देखो मैंने काइट उठाया, ठीक है, काइट से पहले मैं गलगोटिया उठा लेता हूँ, क्योंकि तुम लोग का तो फेवरेट हो गया है गलगोटिया, है ना। गलगोटिया उठाने दो, उससे थोड़ा सा और आइडिया लगेगा तुम लोग को। देखो ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी में देखो लास्ट टाइम 19-20 का 1464 बच्चे एडमिशन लिए थे इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, 4 ईयर प्लान वाला। उसमें से 765 बच्चे ही सेलेक्ट हुए, मतलब मात्र 50% का ही सिलेक्शन हो पाया, 50% लोग ही सेलेक्ट हुए और 17 लोग हायर स्टडीज़ के लिए गए, बाकी लोग कुछ नहीं किए। और इनका एवरेज पैकेज जो रहा, एवरेज पैकेज देखो मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ, एवरेज पैकेज जो इनका रहा वो रहा 3.5 लाख। तो यार इनसे बढ़िया ही एवरेज पैकेज दे रहा है REC। अरे इनका 1.5 लाख का बजट है फीस वीस लेके, 1.5 लाख फीस है और उसकी 40,000 फीस है, ठीक है, 40-50,000 फीस है, और उसके बाद इनका एवरेज पैकेज देख लो और प्लेसमेंट का देख लो रेशियो, 50% बच्चे ही प्लेस्ड हो पा रहे हैं। तो अगर CS IT तो ठीक है, अगर इधर CS मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यार और में जाना तो मुझे नहीं लगता ही मन मतलब बढ़िया बात होगा, देख लो तुम ही, ठीक है। और इससे पहले तो 3,20,000 था, तो बहुत बढ़िया भी इधर का भी प्लेसमेंट नहीं है जो तुम सोच रहे हो ना, जो जैसे सॉरी नोएडा टाइप और गाज़ियाबाद टाइप चले जाएंगे तो हम बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट लग जाएगा, घंटा कुछ नहीं होने वाला है। अब हम एक और दिखाते हैं काइट का, ये भी तुम लोग का फेवरेट रहा है ना, रुको हम काइट का दिखाते हैं। देखो यार काइट, काइट में 1,000 में से 789 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ, सॉरी इनका परसेंटेज निकालूँ, तो आएगा 78%। तो इनका प्लेसमेंट का रेशियो थोड़ा ठीक है, 78% बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हो जा रहे हैं, और इनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 4 लाख, अभी REC से कम ही है यार, ठीक है। तो यार अरे तुम देख लो ना, तुम खुद देखो यहाँ पे इनका डाटा देखो, काइट का डाटा देखो। नहीं मैं नहीं कहता काइट से बेकार नहीं, काइट भले बढ़िया है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो तो देखो, तुम खुद से कंपेयर करो, अपने आँखों को खोलो, और इधर CS वगैरह का ही प्लेसमेंट है, बाकी तो कुछ खास है नहीं, तुम्हारा इतना ज़्यादा पैसा लगा के जाओगे वो भी डूब जाएगा मेरे हिसाब से तो। बट अगर तुम स्किल वाले हो तो तुम तो किसी भी कॉलेज से पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएँ, कि भैया ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट वाले मुझे ला के सोने का अंडा दे देंगे कि आप हमारे यहाँ आ गए तो लो बढ़िया अब आपका प्लेसमेंट फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ 78% प्लेसमेंट हुआ, बाकी लोग कहाँ गए, 7 बच्चे ही तो हायर स्टडी में गए ना, बाकी लोग कहाँ गए, तुम गलगोटिया उठा के देखो, इतना गंदा प्लेसमेंट, 50% मात्र प्लेसमेंट दिए हैं भाई साहब, वो भी 3.5 लाख के उस पे, तो बाकी लोग कहाँ चले गए, 17 लोग ही तो बस हायर स्टडीज़ में गए ना, मान लो इन लोग को आगे पढ़ने का मन है, प्लेसमेंट नहीं लिए, पर बाकी लोग कहाँ गए, तो तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए। जो लोग कहते हैं REC में नहीं जाऊँगा, खराब है, गाँव में है, तो यार तुम समझ लो टाइम रहते इस बात को, ठीक है। मेरे हिसाब से REC बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ठीक है, जो लोग कहते हैं उनको कहने दो। हाँ अगर बहुत अमीर घर के हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी इनसे भी काइट और गलगोटिया से भी अच्छे कॉलेज हैं अमीर घर के हो तो, जो इनसे अच्छा ही प्लेसमेंट देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम बात को खुद एनालाइज करो कि तुम कौन से स्टैंडर्ड के हो और तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं खुद BTech कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे टाइम पे मैं IIIT लेने के जोश में था, जब बाद में मैं देखा कि यार इसकी फीस इतनी ज़्यादा है कि मैं इसको एफर्ट ही नहीं कर पाऊँगा, 3 लाख दे ही नहीं पाऊँगा, तो AMU में आ गया। तो यार तुम लोग इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, 1 साल नहीं पढ़ना है, 4 साल पढ़ना है, और पेरेंट्स कैसे पैसे देंगे ना उन्हें पता है, ठीक है। तो चलो यार ये रही प्लेसमेंट का डाटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा REC वर्सेस गवर्नमेंट में,
ठीक है, तो ये प्लेसमेंट का डाटा रहा, तो हमने देख लिया सब कुछ, हमने एक चीज़ देखा कट ऑफ सॉरी फीस देख लिया, प्लेसमेंट देख लिया, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, फैकल्टी की मैं बात करूँ ना, तो REC में जितने भी फैकल्टी होते हैं हर फैकल्टी लगभग हाई क्वालिफाइड ही होते हैं, PhD ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी फैकल्टी ऐसे ही मतलब हो। प्राइवेट में तो ऐसे भी रख लेते हैं लोग, अभी कोई अभी M.Tech करके आया अभी चल रहा है तो रख लेते हैं, मतलब प्राइवेट में यार जैसे अब क्या ही कहूँ, खैर छोड़ो, लेकिन हाँ मतलब ठीक है। मैं प्राइवेट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर मैं तो गवर्नमेंट में, मैं खुद AMU में पढ़ रहा हूँ जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उनमें से किसी भी प्रोफेसर का आप रिज्यूमे उठा के देखो तो लगेगा हाँ IIT से पढ़े हैं, कुछ लोग फॉरेन से पढ़े हैं, मतलब अच्छे कॉलेज से ही हैं। देखो इसमें जो फैकल्टी, जैसे इससे पहले मैं फैकल्टी मेंबर्स का दिखाया था लिस्ट, वो बहुत अच्छे कॉलेज से थे, कौन सा कॉलेज था, REC अम्बेडकर नगर, उसमें लगभग लोग IITian थे और NITian थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखने को मिलेगा कि जो HOD हैं वो किस कहाँ से हैं, इलाहाबाद से हैं, और ये बाकी रजिस्ट्रार जो है छत्रपति साहू जी से हैं, ये MNIT इलाहाबाद से हैं, वेलफेयर डीन ऑफ वेलफेयर, ठीक है, और ये भी छत्रपति साहू जी, छत्रपति साहू जी वाले जाते हैं क्या यहाँ पे, इन ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हैं, IIT अमित सर IIT रुड़की से हैं, ठीक है, मनोज सर यूनिवर्सिटी DU से हैं, और अभिजीत सर IIT VHU से हैं, तो ये यहाँ की फैकल्टी लगभग सारी PhD ही हैं, ठीक है, कुछ लोग IIT लखनऊ से हैं, ठीक है, यहाँ पे HBTI कानपुर से हैं, ZEE नोएडा से हैं, IIT पटना से हैं, मतलब कुछ यहाँ पे भी अच्छी फैकल्टीज़ हैं जो M.Tech और PhD इन्होंने परफॉर्म किया है, मतलब कंप्लीट किया अपना IITs वगैरह से, तो ठीक है। लैब वगैरह सब कुछ वेल इक्विप्ड है, लैब वगैरह वैसे भी गवर्नमेंट कॉलेज में लैब वगैरह का ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, तो मुझे तो सही लग रहा है। अरे भाई ये देखो यार, उमर उमर सर हमारे कॉलेज से है यार, AMU अलीगढ़ से, वाह वाह क्या बात है, अच्छा दैट्स अ नाइस, साउंड्स गुड। और ये है MNIT भोपाल से और यूनिवर्सिटी ऑफ देहरादून से, ठीक है, तो ये कुछ फैकल्टीज़ हैं जो मतलब सही हैं, मतलब ठीक ही हैं फैकल्टीज़, तो वैसे भी गवर्नमेंट में सब PhD वाले ही होते हैं, ठीक है, तो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी वो लोग PhD रखते हैं, तो गवर्नमेंट के फैकल्टी पे मतलब हमेशा हमेशा लगभग हमें फैकल्टी हाई क्वालिफाइड ही मिलती है, ठीक है, तो फैकल्टी की टेंशन मत लो। अब बात करते हैं कि क्या मतलब हम यहाँ पे कट ऑफ क्या जाने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और अभी फर्स्ट राउंड में आया था तो उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर मैं आपको दिखाऊँ कट ऑफ लास्ट टाइम का कि REC बांदा का कट ऑफ क्या रहा, तो ये देखो यार अभी JEE Main वाला जो फर्स्ट राउंड का इन्होंने कट ऑफ दिखाया है, ध्यान से देखो सब कुछ हम लोग करते चलते हैं। देखो अभी मैं फर्स्ट राउंड का दिखा रहा हूँ और मैं एक्सपेक्टेड बता दूंगा कि सेकंड और थर्ड का क्या जाने वाला है, उसी के आसपास तुम देखना जाएगा। OBC गर्ल जो है 1.5 लाख तक गया है, OBC गर्ल 1.5 लाख पे क्लोज हुआ है, ये अभी और जाएगा, अभी और भी जाएगा, 1,75,000 तक इलेक्ट्रिकल इसका जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जनरल हो, अब बाकी ऑल इंडिया वाले सब लोग देख लो यार, मैं कुछ का बता दे रहा हूँ। जनरल 1,30,000 तक गया है, 1,50,000 तक जाएगा। SC 7-7.5 लाख गया है आराम से। SC वालों का 3,86,000, मतलब 4 लाख के अप्रॉक्स गया है, इससे भी ज़्यादा जाएगा, 4 लाख तो जाएगा ही जाएगा। तो SC वाले जो 4 लाख में मुझसे पूछ रहे थे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो देख लो यार तुम्हारे सामने इलेक्ट्रिकल यहाँ लास्ट टाइम ही मिल गया है, ठीक है। और मैं OBC वाले भाई साहब लोग की बात कर लूँ, कहाँ गए OBC, हाँ BC, देखो AF मतलब ना ए, देखो एक 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 डिफेंस वाले होते हैं, ठीक है, मतलब देखो एक TF AF ये सारे कोटा हैं जो हमें वो मिल रहा है, जो जो कोटा हमें दिए जाते हैं, जैसे कि एक तो होता है ना कि ट्यूशन फी बिहेवियर, एक होता है कि आर्म्ड फोर्सेस मतलब AF, और एक और कोटा होता है जिसको जो डिफेंस कोटा होता है, जिसमें अगर कोई शहीद हो जाते हैं लोग और किसी के पेरेंट्स वगैरह, तो उनको दिया जाता है। तो अभी मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। BC होम स्टेट में 99,000 तक गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे 1,37,000 तक गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये BC जो OBC वाले हैं 1.5 लाख तक इनको इलेक्ट्रिकल इधर मिल जाएगा, और 1.5 लाख से ज़्यादा तक ही मिलेगा, 1,30,000 तक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगा, ध्यान से देखो 1,30,000 तक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलने वाला है OBC वालों को। तो
या और जो लोग एस सी एस टी वाले हैं उनको तो मतलब 4, 4.5 लाख 5 लाख तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इधर मिल जाएगा। और मैकेनिकल जो है ओपन में 2 लाख गया यार, जिनकी रैंक 2 लाख आ रही हो वहाँ पे, यहाँ पे मैकेनिकल वगैरह में जा सकते थे, ठीक है, मैकेनिकल वगैरह में जा सकते थे। एससी वगैरह वालों के तो 4 लाख 4.5 लाख गए हैं, एसटी के 7 लाख गए हैं, ठीक है। तो यार 5 लाख 6 लाख 7 लाख रैंक तक तो ये जा ही रहा है। देखो देखो जो लोग ओबीसी हैं यहाँ पे 2.5 लाख रैंक तक किसी ना किसी ब्रांच में एडमिशन पा जाएंगे थर्ड राउंड तक, ठीक है, 2.5 लाख रैंक से ज़्यादा भी। और जो लोग जनरल हैं वो 2 लाख 20 हज़ार तक आराम से पास जाएंगे। एससी एसटी वाले तो अभी भी 7 लाख 8 लाख पे पा रहे हैं, तो उनको एडमिशन इधर मिल जाएगा। तो राजकीय में एडमिशन मिलना आसान है। इन्फॉर्मेशन अगर जब भी तुम इसको भरना तो आईटी सबसे पहले रखना, उसके बाद से ई रखना, तब एमई रखना, ठीक है, क्योंकि आईटी का प्लेसमेंट यहाँ पे सबसे अच्छा है। तो ये रहा अपना प्लेसमेंट, तो 2 लाख 2.5 लाख पे भी ये मिल जाएगा, 2 लाख पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तुम बाकी एनालाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, इसमें कोई सभी इशू नहीं है। तो गाइज ये रहा अपना कट ऑफ। तो मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ तुम्हें शो कर दिया, और मेरे हिसाब से मैं कभी भी मना नहीं करूँगा। अगर तुम इसमें जा रहे हो तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, खासकर अगर तुम आईटी ले रहे हो तो मैं मना नहीं करूँगा। देखो एक बात ध्यान सुनो, अगर प्राइवेट में तुम्हें FW मिल जाता है तो राजकीय से बेटर वही रहेगा। लेकिन अगर FW नहीं मिलता है और राजकीय प्राइवेट में मैं हमेशा CS या IT ही प्रिफर करता हूँ, बाकी कुछ प्रिफर नहीं करता हूँ। अगर FW नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से REC बढ़िया रहता है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो। और अगर आप बहुत बढ़िया फैमिली से हैं तो कोई दिक्कत नहीं यार, तुम्हें तो वैसे भी कहीं से भी टिक कर लो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। टेंशन तो मिडिल क्लास वाले बच्चों को ज़्यादा रहती है जो लोग बीटेक कर रहे हैं अभी, ठीक है, बीटेक के लिए सोच रहे हैं। तो गाइज अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से फील कर पाता हूँ तो एक लाइक ज़रूर देना। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ REC पर ही, ठीक है, REC पे ही नया वीडियो बनाने वाला हूँ, तो तुम लोग बताना, उसे भी देखना। और मैं लगभग मोस्टली कॉलेज पे वीडियो बना चुका हूँ। कई बच्चे कहे थे कि सर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पे बनाओ, तो हाँ उस पे मैं बनाने वाला हूँ। फिरोज गांधी पे आज वीडियो आ जाएगा। तो यार मैं काम कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, तो इसलिए यार एक बार ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा प्यार है ना तो स्टोरी लगा देना, क्योंकि ये मत समझ के स्टोरी लगा लेना कि एक यूट्यूबर है ये बस इन्फॉर्मेशन देता है, नहीं, ये समझ के सपोर्ट करना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और जब ये समझोगे ना कि वी आर ब्रदर्स, देन मोस्टली तुम दिल खोल के मेरा सपोर्ट करोगे, दिल खोल के भाई, जैसे मैं दिल खोल के तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। तो गाइज नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, पहला तो भर ही गया, बच्चे इतने ज़्यादा हो गए थे। और नहीं तो टेलीग्राम पे भी आ जाना, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया सुविधा है। टेलीग्राम मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना। और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आ जाना, व्हाट्सएप पे आ जाना, और वहाँ पे जो अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। बाकी टाइम टाइम पे मैं लाइव आके भी तुम्हें सजेस्ट करता रहूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, टेक केयर।